वेलकम गाइस। तो आज के इस नेक्स्ट एपिसोड में अपन बात करेंगे पूरा आईआईटी बॉम्बे के एनर्जी डिपार्टमेंट के बारे में। तो आज मेरे साथ है प्रहलाद प्रजापत, जिसने अभी अपना आईआईटी बॉम्बे से मास्टर कंप्लीट करा है 2023 में। एनर्जी साइंस डिपार्टमेंट कैसा क्या है, यहाँ का कोर्स प्रोग्राम, यहाँ की स्कॉलरशिप एंड यहाँ पर कैसे क्या अपॉर्चुनिटी एज ए स्टूडेंट के पास अबाउट द रिसर्च फील्ड एंड एनी अदर। आई होप आप आईआईटी बॉम्बे के बारे में आपने अदर वीडियोस वगैरह भी देखेंगे, वहाँ पर आपने थोड़ा बहुत जाना होगा, बट आज पर्टिकुलरली अपन इसी डिपार्टमेंट के ऊपर फोकस करने वाले हैं, ठीक है। तो साथ ही साथ में अपन अदर पॉइंट्स पे भी बात करेंगे, लाइक प्रहलाद ने अपने कुछ इंटर्नशिप वगैरह भी कंप्लीट करी है फ्रॉम द SBI, तो उसके बारे में अपन जानेंगे एंड ऑल्सो अबाउट द buzz.ai, ठीक है। तो लॉट्स ऑफ द पॉइंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस, तो चलो करते हैं स्टार्ट। तो प्रहलाद भाई, सबसे पहले अपना एक बार इंट्रोड्यूस करा दो इन शॉर्ट अपने बैकग्राउंड के बारे में। हाय, नेम इज प्रहलाद प्रजापत। सो बेसिकली मैं राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ, छोटा सा एक कस्बा है रतनगढ़ से। तो मैंने अपना स्कूलिंग वहीं से किया था। उसके बाद मैंने IIT की तैयारी की थी, IIT JEE की। तो मतलब वो तो हुआ नहीं, मतलब जो मैक्सिमम लोगों का नहीं होता है। उसके बाद मैंने BSc किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी से। BSc बस वो इलेक्ट्रॉनिक्स। मेरे दिमाग में था कि मेरे को हमेशा से ही उसमें जाना है, मतलब रिसर्च फील्ड में जाना है। तो उसके रिगार्डिंग मैंने किया था BSc होना इलेक्ट्रॉनिक्स, इसलिए लिया क्योंकि मुझे लगा था कि मेरे को सोलर सेल में काम करना है, तो सेमी कंडक्टर वगैरह इन सब के बारे में हो जाएगा। लेकिन वहां पर कुछ और भी होता है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ऐसा था ना कि वहां पर लाइक, जैसे कि मैं आपको दो चीज में डिफाइन करूंगा कि मैं IIT गया था तैयारी करने, तो मुझे एक्चुअली समझ आया कि एक्चुअली में आपको स्टडी को कैसे करना चाहिए, हाउ टू स्टडी, हाउ टू लर्न दैट थिंग। एंड जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी गया तो मुझे समझ आया था हाउ टू लिव द लाइफ। तो आई एक्सप्लोर द सच मेनी थिंग्स। मैंने अपने दिमाग से हटाया कि नहीं, मेरे को रिसर्च में जाना है, वो ठीक है, बाद में पहले बाकी चीज भी देखते हैं, क्या पता हम कहीं और भी अच्छे हो। तो सारी चीज एक्सप्लोर करने के बाद आखिरी में घूम फिर के मैं वहीं पे आया कि नहीं, अपन को यही करना है। फिर IIT JEE का एग्जाम दिया। एक महीने में सिर्फ तैयारी किया था क्योंकि IIT JEE की तैयारी करते हो तो मैं बहुत सारा हो जाता है। तो एक महीने में तैयारी किया था, एक महीने नहीं, 40 डे का पूरा टारगेट, 40 डे में पूरा सिलेबस वगैरह सब 40 डे में किया। और फॉर्चुनेटली मैंने इसी कोर्स के लिए अप्लाई किया था क्योंकि मेरे को हमेशा फिजिक्स नहीं करना था, क्योंकि मैंने जब हमेशा फिजिक्स का देखा था तो सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट था। मैं ऐसा बंदा हूँ जो मैं फिजिक्स अपने अंदाज में पढ़ता हूँ, आराम से अपने अंदाज में। और आप इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी का, किसी भी IIT का हमेशा सिलेबस, आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाती है, तो मतलब आपने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया बट आप किसी चीज में फिल नहीं ले पाते हो, किसी चीज को उतना डीप तक नहीं जा पाते हो। तो मुझे लगा था यार कि मैंने पूरी लाइफ में ऐसे ही किया है और अब मुझे वैसे जाना है डीप में, और मैं अपने अंदाज में पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत डीप में समझ आता है और मुझे वैसे ही जाना है। तो मैं तो हमेशा फिजिक्स नहीं करना है, मुझे अगर कोई स्पेसिफिक कोर्स मिले सोलर सेल के रिगार्डिंग तो वो करूंगा, और इतना हेक्टिक शेड्यूल में नहीं जाना है। तो उसी को बट मुझे फिर ये कोर्स मिला फाइनली इतना, क्योंकि उस टाइम कोविड वगैरह था। तो पूरा यहाँ पे मैंने रिसर्च किया कि इंडिया में कहाँ है जहाँ सोलर सेल के बारे में, मतलब एनर्जी साइंस के बारे में कोर्स हो। तो पूरा इंडिया छाने के बाद मेरे को सिर्फ IIT मुंबई में कोर्स मिला, जो जहाँ पर BSc वाले बच्चे जा सकते हैं। बीटेक वालों के लिए तो बहुत कुछ था बट BSc वालों के लिए यही था। प्रॉब्लम ये था कि IIT मुंबई का रैंक बहुत थी, मेरे पास सिर्फ एक महीना था। तो फिर मैंने सोचा ठीक है ये करते हैं, जो होगा देखा जाएगा, आगे तक चलते हैं। तो 40 डे का प्लान था, 40 डे में एग्जाम दे, क्या मेरे मार्क्स उतने आए। तो क्या होता है, ये कोर्स ऐसा है कि अगर मान लो आपको IIT गांधीनगर मिल रहा हो, IIT हैदराबाद मिल रहा हो, या फिर IIT गुवाहाटी मिल रहा हो आखिरी राउंड में, अगर आप ऐसी स्थिति में हो तो आपको IIT बॉम्बे में ये कोर्स मिल सकता है। IIT बॉम्बे में हमें सिर्फ नहीं मिलेगा बिकॉज क्योंकि उसकी रैंक बहुत हाई होती है। बट अगर आपको ऐसा है कि आपको IIT गुवाहाटी आखिरी तक मिल रही है, आखिरी राउंड में जाके, जब बहुत आखिरी में जाके, तो आपको हो सकता है कि ये कोर्स पहले राउंड में मिल जाए। मेरे को तो यही कोर्स टारगेट करना था, मैंने फर्स्ट यही प्रेफरेंस भरा, फर्स्ट नहीं सेकंड, फर्स्ट मेरा IIT दिल्ली था क्योंकि वहां पर ऑप्टिक्स एंड फोटोनिक्स होता है, मेरे को फोटोन में इंटरेस्ट था। तो मेरा पहला हुआ था, मुझे पता तो मिलने वाला नहीं बट इन जस्ट ऑफ की वो सेकंड ऑप्शन ये था, और मेरे को यहाँ मिल गया। मैंने यहाँ 2 साल मतलब जो एनर्जी साइंस की स्टडी की, उसके बाद मैंने एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ मुझे काम करना था सोलर सेल में, जो एक ड्रीम था मेरा स्कूल से, वहाँ मैंने पर्टिकुलरली उस स्पेसिफिक एरिया में अपना रिसर्च स्टार्ट किया। MSc के फर्स्ट ईयर में अपना प्रोजेक्ट किया, उसके बाद अभी उसी चीज को मैंने आगे कंटिन्यू किया। तो अभी मेरा PhD के 5 महीने हुए हैं इन जनरल। तो अभी थोड़ा सा आपके MSc के जो 2 ईयर अभी हुए हैं, जिसका कोर्स क्रम के बारे में थोड़ा सा बता दो, लाइक आपको कौन कौन सब्जेक्ट्स वगैरह पढ़ने रहते हैं एंड यहाँ से फर्स्ट सेमेस्टर में कितने के सब्जेक्ट रहते हैं, कुछ प्रैक्टिकल वगैरह एवरीथिंग।
हाँ, सो बेसिकली ऐसा है कि इस कोर्स में क्या होता है, तीनों स्ट्रीम से बच्चे आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, ठीक है। तो टोटल 20 से लेकर 23 सीट होती है, 20 से लेकर 23, हाँ 20 से 23 सीट होती है। अभी पता नहीं कितनी, हर साल चेंज होती रहती है, तो आप चेक कर लेना वो ITGM की साइट पे। तो उसमें सीट होती है, उसमें से ऐसा होता है कि इतनी सीटें एमएससी वाले मतलब मैथमेटिक्स, जो मैथमेटिक्स वाले बच्चों की, थोड़ी सीटें पांच या चार पांच ही सीट होती है, बाकी जो आधी सीटें आधी 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 फिजिक्स की आधी केमिस्ट्री की। इसकी वजह यह है क्योंकि ये डिपार्टमेंट इंटरडिसिप्लिनरी नहीं है, यहाँ पर फिजिक्स वाले बच्चे का भी काम के लिए बहुत कुछ है, केमिस्ट्री वाला बच्चा भी काम के लिए बहुत कुछ है, तो इसी तरह से चीजें होती है। तो एक्चुअली जो हमारा एमएससी, जो हमारा जो एनएसआई डिपार्टमेंट है, उसके तीन पार्ट है, एनर्जी जनरेशन, एनर्जी स्टोरेज एंड एनर्जी फ्लो। तो एनर्जी जनरेशन में हमको क्या लगता है, सिर्फ पीवी है, सोलर फोटोवोल्टाइक है, लेकिन ऐसे बहुत सारे होते हैं, जैसे विंड विंड हो गया, बायोगैस हो गई, इन सब में होगा। लेकिन जो बेसिकली जो विंड हो गया, इन सब में वो बच्चे काम करते हैं जो जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं। तो हमारा काम इन जनरल रहता है सोलर पीवी, ऐसा कुछ बाउंडेशन नहीं होता है, आप कुछ भी कर सकते हो आके, आपको पूरी छूट होती है। बट इन जनरल बच्चे सोलर पीवी को प्रिफर करते हैं क्योंकि उनमें थोड़ी बहुत फिजिक्स आती है, थोड़ी बहुत केमिस्ट्री आती है, वो बच्चे पढ़ के आए होते हैं। तो पहला पार्ट होता है सोलर पीवी। तो हमको कुछ कोर्स स्टार्टिंग में क्या होता है, फर्स्ट सेमेस्टर में क्या होता है, आपको सब कुछ, जैसे कि मैं फिजिक्स बैकग्राउंड से हूँ लेकिन मेरे को केमिस्ट्री नहीं आता, और जो कोई केमिस्ट्री वाला है उसको उसको फिजिक्स नहीं आएगा, और मैथ वाला होगा उसको फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों नहीं आएगा। तो पहला जो सेमेस्टर होता है उसमें एक बेसिक लेवल के कोर्स होते हैं, फिजिक्स फॉर एनर्जी साइंस, केमिस्ट्री फॉर एनर्जी साइंस, मैथमेटिक्स फॉर एनर्जी साइंस। आपको ऐसा लगेगा कि आप बीएससी का पढ़ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने फिजिक्स में से ITGM दिया था, तो मुझे लग रहा था कि मैं तो अपना ITGM का सिलेबसिंग वाइज कर रहा हूँ, क्योंकि वो सबके लिए होता है, बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से, तो उनको इंट्रोडक्शन कराना होता है। तो पहला सेमेस्टर इसी में चला जाता है। पहले सेमेस्टर में एक कोर्स होता है जो सारा कोर होता है मेटेरियल साइंस करके, उसके बाद अगले सेमेस्टर में आपको कोर कोर्सेस मिलेंगे, उसके बाद थर्ड सेमेस्टर में जाके आपको इकोनॉमिक्स पढ़ने को मिलेगा। एनर्जी इकोनॉमिक्स होती है कि भाई इतना पीवी है, इतना हाइड्रोजन है, किसकी आगे डिमांड होने वाली है, जैसे अभी ईवी आने वाली है तो ईवी का क्या इकोनॉमिक्स होने वाला है, उसकी स्टडी होती है, उस पर रिसर्च होती है कि अगर मान लो इतना हमारे पास एनर्जी है तो इतना इस सेक्टर से आना चाहिए, इतना इस सेक्टर से आना चाहिए, उसको पूरा एक स्टडी, जैसे आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ सेम वे में इकोनॉमिक्स एनर्जी में रहती है, काफी इंटरेस्टिंग चीज होती है। उसके बाद फोर्थ सेमेस्टर में आपके पास इलेक्टिव के लिए रहते हैं, थर्ड सेमेस्टर में भी आपको इलेक्टिव के लिए ऑप्शन मिलता है, लेकिन फोर्थ सेमेस्टर में रहते हैं, और आप आखिरी साल में प्रोजेक्ट करते हो जिसमें आपको जाना था। फॉर एग्जाम्पल मेरे को सोलर सेल में जाना था, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग अपना गाइड चूज किया, उसमें प्रोजेक्ट किया। तो आखिरी साल में कोर्सेज कम रहते हैं, बट आपको एक अपना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करना होता है, जो एमएससी फिजिक्स वाले बच्चे करते हैं उनका छोटा सा प्रोजेक्ट होता है, 6 क्रेडिट का, 20 का, हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है। फिर आप उसी के बेसिस पर आगे अपना PhD करते हो, मतलब बेसिस करके, तो इस तरह का चीज है। तो अगर आप आ रहे हो स्पेशली जो केमिस्ट्री के बच्चे, मैं उनको रिवाइड करना चाहता हूँ कि आपको स्टार्टिंग का एक साल बहुत डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन हाँ अगर आप स्टार्टिंग एक साल सर्वाइव करके तो आखिरी के साल आपको सही लगेगा, क्योंकि अगली बार फिर क्या करोगे आप, ये सब नहीं पढ़ोगे, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ने वाले हो आप, बाकी इंजीनियरिंग नहीं पढ़ने, आप आखिरी साल क्या करोगे, अपना रिसर्च करोगे, और जो भी लोगे इलेक्टिव लोगे, तो इलेक्टिव आपको पता है कि IIT में आप किसी भी डिपार्टमेंट से ले सकते हो, तो इस तरह से आपका काम हो जाता है कुछ मिला जुला के। बट जो केमिस्ट्री वाले बच्चे हैं स्पेशली, उनको एक साल बहुत डिफिकल्ट लगने वाला है, फिजिक्स वालों को इतना नहीं लगता है, क्योंकि उन जनरल वो मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों हैंडल कर लेते हैं, उनको खाली केमिस्ट्री हैंडल करना होता है, और वो इतना हावी नहीं होता, आपको 12th वाली जो केमिस्ट्री से ही कुछ निकाल के होता है। राइट ठीक है। अच्छा मैंने यहाँ पर दो कोर्सेज देखे थे, एक तो लाइक अपने पास था एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग, दूसरा अपने पास था इन्वायरमेंटल साइंस, ठीक है। तो इनमें लाइक डिफरेंस क्या है, क्योंकि लाइक इन्वायरमेंटल साइंस में अपन सभी डिपार्टमेंट्स आते हैं इंक्लूडिंग बायोटेक्नोलॉजी भी। नहीं देखो ये दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट है, एनर्जी साइंस अलग है, इन्वायरमेंट साइंस अलग है, दोनों ही एमएससी पीजी कोर्स है, लेकिन इन्वायरमेंट साइंस वालों की आप देखोगे वहाँ की अलग है, उनकी उनकी एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया देख लेना आप, उनका अलग है, उनको शायद कुछ बायो का भी बैकग्राउंड चाहिए, मुझे नहीं पता एक्चुअली, मुझे आइडिया नहीं उस बारे में, बट वो अलग है, सेम चीज है, प्लस सेम तरह का कोर्स उस सेक्टर है, सेम तरह का आपको आखिरी में प्रोजेक्ट करना पड़ता है,
क्या होता है, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ जो मैंने बताया नहीं, कि एमएससी के बाद आपको क्या होता है, 6 महीने का टाइम मिलता है। 6 महीने को आपको अपना क्वालिफायर देना पड़ता है। क्वालिफायर क्या होता है, आपको अपना प्रेजेंटेशन देना पड़ता है कि आपने जो भी पढ़ा है, जो भी आप रिसर्च करना चाहते हो उसको आपको डिफेंड करना पड़ता है। जैसे कि आपने शार्क टैंक में देखा होगा, शार्क टैंक में लोग अपना आइडिया डिफेंड करते हैं कि हाँ मैं ये करूंगा, उसके बाद पैसा मांगते हैं। सेम इस तरह से हम आइडिया डिफेंड करते हैं, एक प्रेजेंटेशन देते हैं और हमको आइडिया डिफेंड करना पड़ता है। 3 से 4 प्रोफेसर बैठे होते हैं, वो सारे आपसे सवाल पूछते हैं, फिर अगर आप उसमें पास होते हैं, जबकि बहुत सारे लोग हो जाते हैं बट कभी कभी पास नहीं होता, तो आपको 3 महीने का टाइम और मिलता है कि अपने आइडिया पर और अच्छे से काम करो। उसके बाद ही आपको पीजी में एनरोल किया जाता है। तब तक आपको पीजी में एनरोल नहीं किया जाता, इस कोर्स में अलग बात यह है कि आप एमएससी फिजिक्स करोगे तो आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, लेकिन आप एमएससी पीजी कोर्स करते हो तो आपको एमएससी में 6,000 का पर मंथ स्कॉलरशिप मिलेगा। ये स्कॉलरशिप आपको तब तक मिलेगा जब तक आप अपना क्वालिफाई नहीं कर लेते। क्वालिफायर कंप्लीट होने के बाद आपको अपना पीएचडी का स्कॉलरशिप चालू हो जाता है, और जो 4-5 महीने आप क्वालिफायर की तैयारी करते हो उसका पैसा आपके अकाउंट में मतलब आता नहीं है, लेकिन एड होता रहता है। जब सारी चीजें कंप्लीट हो जाती है तो वो पैसा एक साथ आता है एज ए वरियर। तो ये एक अलग कोर्स है, मतलब उस सेंस में। ठीक है ठीक है। अच्छा, 6,000 स्कॉलरशिप मिलती है, उसके बाद जैसे पीएचडी में अपन इनरोल होते हैं तो पीएचडी में भी लाइक 30,000 31,000 मिल रही है स्कॉलरशिप मिल रही है? नहीं, 37 हो गई है, पहले 31 थी, अभी जो एमएचआरडी की जो अभी गाइडलाइन आई है उसके अकॉर्डिंग 37 हो गई, तो अभी सबको 37 मिल रहा है। ओके ओके ठीक है। तो लाइक आपने तो थोड़ा बहुत बता दिया कि आपका रिसर्च फील्ड में कैसे क्या इंटरेस्ट आया था, मतलब कि आपने हाउ यू डिसाइडेड, बट एक्चुअली क्या है कि जैसे कि अपन जब जाते हैं कॉलेजेस वगैरह में तो यार स्टूडेंट फिर भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूज होते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, हाउ आई शुड डिसाइड कि मेरा रिसर्च फील्ड में इंटरेस्ट है कि नहीं है या फिर मुझे अदर फील्ड में कुछ करना चाहिए। तो बेसिकली मैंने कैसे डिसाइड किया मैं वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो देखो, मैंने जब मैं बीएससी में घुसा था तो मैंने अपने दिमाग से 4-5 महीने निकाल दी थी कि मेरे को पता था कि मेरे को ये जाना था। स्कूल से एक होता है कि स्कूल से आप देखो, मेरा ऐसा मानना है कि इंटरेस्ट इज अ फ्रॉड। मतलब इंटरेस्ट आपको ऐसा नहीं है कि हाँ एक्चुअली दिस इज ट्रू, बिकॉज इंटरेस्ट ऐसा नहीं है कि आपको वहां से आपको चंद्र आपके लिए, इंटरेस्ट ऐसा है कि आप लाइफ में जहां से आते हो आपका जो एक्सपीरियंस रहता है उससे आपको, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी ने क्रिकेट के बारे में कुछ बताया नहीं, आपको इंटरेस्ट कैसे आ सकता है? बिल्कुल। हाउ यू नो, देखते हो महेंद्र सिंह धोनी, फिर आपने दो बार देखते हो कि यार ये बंदा छक्का मार रहा है और पूरी जनता पागल हो रही है, तब आपको इंटरेस्ट आता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ एक्सटर्नल चीज छुपी होती है, आपको इंटरेस्ट आता है। तो मैं जब था तो मैंने अपने गांव में देखा था कि यार बहुत बड़ी दिक्कत है, लोग इकोनॉमिकली प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, लोग अलग तरह से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और मेरे अंदर एक हार्ड कोर फीलिंग थी कि कुछ मतलब कुछ ये ठीक नहीं है। तो जब मैंने स्टडी किया तो मुझे पता चला कि सबकी जो प्रॉब्लम है वो इनवायरमेंट है, हमने इनवायरमेंट पर केयर ही नहीं किया, इसी वजह से इतनी बीमारी आ रही है। तो फिर मैंने सोचा कुछ इनवायरमेंट पे काम होना चाहिए। तो फिर एक दिन मेरे को सोलर सेल के बारे में पता चला। जब मैं 12th क्लास में था तो मेरे टीचर ने मेरे को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ना था, उसको मैंने इतना डीप से पढ़ा था ना कि मतलब उसके पीछे की हिस्ट्री आगे सब पढ़ लिया था। उसी टाइम से ये दिमाग में बैठ गया था कि फोटोन, उसको लेके फिर मैं आगे चल रहा था। लेकिन क्या होता है कि उसके बीच में एक चीज और होती है, मतलब क्या होता है कि आप जब इंटरेस्ट डिफाइन कर रहे होते आपको एक्चुअली में कुछ ना कुछ लग रहा होता है, बट आपको एक्चुअली में पता आप किस चीज में अच्छे हो। तो ये कि आपको समझ आया कि ये चीज अच्छी है, ये मुझे करना चाहिए, ये मुझे देख के अच्छा लग रहा है। लेकिन दूसरी चीज ये होती है कि आप किस चीज में अच्छे भी हो, आपको ये भी देखना चाहिए। तो क्या हुआ, जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, तो अब ये डिपेंड करता है आप कहाँ से बीएससी कर रहे हो। अगर आप किसी ऐसे कॉलेज से, मतलब आपको कुछ नहीं मिलेगी बी ऑनेस्ट, ये रियलिटी है। क्योंकि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी था तो मैंने सब किया, मैंने थिएटर किया, मैंने इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट भी किए जहाँ पर आपको कोडिंग करनी होती है, जहाँ पर आपको आर्डिनो हैंडल करना होता है, आपको एम्बेडेड सिस्टम हैंडल करने होते हैं। मैंने स्टार्टअप भी किया, मतलब स्टार्टअप में भी थोड़ा बहुत अपना आजमा है। तो वहां से मुझे समझ आया कि यार मेरा दिमाग इसमें नहीं है, तो वो इंजीनियर दिमाग कैसे चलता है कि मुझे वो प्रॉब्लम मिल गई, उन्होंने उसको डिकोड कर दिया, सोल्व कर दिया। मेरा दिमाग कभी ऐसा नहीं चलता, मेरा दिमाग चलता था ये डिवाइस अंदर काम कैसे कर रही है, इसके पीछे की फंक्शनिंग क्या होगी। वहां तक भी मेरा दिमाग रुकता नहीं था, मेरा दिमाग रुकता इसके पीछे फंडामेंटल फिजिक्स क्या है, कैसे ये चीजें ये अरेंज होकर। तो मुझे समझ आया कि मेरा इंटरेस्ट है ही नहीं कि तुम्हारी प्रॉब्लम सोल्व हो, मतलब ये तुमको लगता है, मेरा इंटरेस्ट ये कि इसके पीछे का साइंस क्या है, जो उसको जानने में मेरे को एक किक मिल रही है। तो वहां से मेरे को मतलब कि
मजा इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये लोग मेरे से करवा रहे हैं कि भाई तुम ये मत सोचो कि ये कैसे काम कर रहे हैं, तुम बस अपना कोड करो और इसको कंपाइल करो, कैसे ये इंटरफेस करो, इंटरफेस नहीं हो रहा कोई और ट्राई करो, हाउ टू इंटरफेस तुम्हें ये पता करना है। मेरा इंटरेस्ट उसमें था ही नहीं, मेरा इंटरेस्ट था उस डिवाइस को अंडरस्टैंड करने में, तुम्हें 6 महीने लग जाएंगे, इतने में तुम्हारा काम खत्म, प्रोजेक्ट खत्म। तो इंजीनियर के दिमाग में क्या होता है, टू सॉल्व द प्रॉब्लम कि हाँ ये फंडा है उनको लगाना है और एक डिजाइन बनाना है। अगर आपका दिमाग इस तरह चलता है तो वेल एंड गुड, यू गो फॉर द इंजीनियर। लेकिन आपका दिमाग इस तरह चलता है कि नहीं इसके पीछे क्या हो रहा होगा मुझे वो समझना है, उस समझने में अगर आपको ठीक आ रहा है ना, या आपको खुद से पूछ रहा है क्या मुझे इस चीज में ठीक आ रहा है कि मैं ये चीज बना दूंगा, ये प्रोडक्ट बना दूंगा, मैं ये बना दूंगा, तो आप इंजीनियर हो। आपको दिमाग चलेगा कि हाउ टू अरेंज द थिंग। अगर आपको इस चीज में ठीक आ रहा है कि यार इसके पीछे फंक्शन क्या हो गई, फंडामेंटल साइंस क्या होगा, क्या इसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट दिख रहा है जो आज तक कभी दिखा नहीं, तो अगर आपको वो चीज समझने में, उस चीज के पीछे की जो होती फील होती है उसको समझने में अगर आपको आपका दिमाग है तो फिर आप रिसर्च के लिए बने हो। तो आपको खुद से सवाल पूछना पड़ेगा कि अगर ये चीज दिमाग नहीं है तो आप जब यहाँ आओगे पीएचडी में तो आपसे बार बार एक ही सवाल पूछेंगे, प्रोफेसर व्हाई इज हैपनिंग प्रहलाद, हाउ इज गोइंग ऑन, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड दैट, देन यू विल से नो 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 सर ये तो हो गया कैसे, वो बोलेंगे कि एफिशिएंसी कैसे या मतलब नहीं है, एफिशिएंसी क्यों आई ये मतलब है। तो ये चीजें अगर आपको आपको अपने ऐसे फील आएगी कि नहीं भाई मैं चीज में, तो मत जाओ इसके लिए, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपको ये फीलिंग आ रही है कि नहीं मेरे को जानना है, मेरे को समझना है चीज को, तो फिर आप आओ और तभी आप यहाँ पर सर्वाइव कर सकते। अच्छा, इसमें लाइक अगला मेरा इससे रिलेटेड ये लाइक इस डिपार्टमेंट में ठीक है क्या स्कोप है रिसर्च का? देखो बेसिकली बात ऐसा है कि जो एमएससी फीस वाले बच्चे होते हैं वो सीधा फॉरेन चले जाते हैं, ठीक है। हमारे एमएससी में आप चेक कर लेना, मुझे अभी नहीं पता कि अभी क्या गाइडलाइन है, बट जब मैं आया था अभी भी है गाइडलाइन कि आप एमएससी छोड़ सकते हो, इट इज नॉट लाइक कि आप एमएससी नहीं छोड़ सकते, आप एमएससी छोड़ सकते हो, आप छोड़ सकते हो, कुछ कुछ गाइडलाइन एक बार चेक कर लेना, dsc.iit.bh करके जाना तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि छोड़ सकते हो, तो आप एमएससी छोड़ सकते हो। देखो ऊपर से बात, अगर आपने क्वालिफाई नहीं दिया तो पीजी तो आप ऐसे नहीं करोगे, तो अगर आपको रहना है तो उसके लिए क्या होता है, आपको स्पेशल कुछ पहले से इंस्टीट्यूट को इन्फॉर्म करना होता है कि भाई मैं पीएचडी में नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, और उस हिसाब से फिर वो अपना इंस्टीट्यूट अपना अरेंजमेंट करता है। तो अगर आप ये इमीडिएटली इन्फॉर्म करोगे तो आपको हो सकता है डिग्री लेने में दिक्कत आए, पर आप पहले से इन्फॉर्म कर देते हो हाँ भाई मैं छोड़ रहा हूँ 1 साल पहले से, तो इंस्टीट्यूट फिर अपने अकॉर्डिंग आपका पूरा प्रोसेस करता है, तो आप छोड़ सकते हो। देखो रिसर्च में ऐसा है कि जब आप पीएचडी वो कर लेते हो तो आपके पास दो ऑप्शन है, जब आप फिजिक्स में पीएचडी करते हो तो इन जनरल लोग क्या करते हैं, मतलब रिसर्च इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं। आजकल लोग इंडस्ट्री में जाने लग गए, बट जो जनरली जो फिजिक्स होते हैं कोर जो साइंस होते हैं वो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, या फिर आप रिसर्च सेंटर ज्वाइन करोगे या फिर अकेडमी में जाओगे प्रोफेसर बनोगे। लेकिन क्या है कि जो ये एनएस साइंस का बंदा होता है, जब आप पीएचडी कर ले तो आपको इंजीनियरिंग में आने लगती है, क्योंकि यहाँ ऐसा माहौल है आपको इंजीनियरिंग में आने लगती है, तो आप इंडस्ट्री भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि हमारे मेरे ही लैब से एक भैया है जिन्होंने अभी अडानी में ज्वाइन किया है, और हमारे यहाँ जो बैटरी होती है जो बैटरी है जो अभी बहुत ट्रेंड है उसमें बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो अगर आप उस फील्ड में काम करते हो तो ऑब्वियसली बात, जब आप 4 से 5 साल बाद जाओगे तो आपके लिए बहुत बड़ा सेक्टर खुला होगा, ठीक है। और सोलर में भी आप समझ रहे हो कि जब तो सोलर का मेरा मानना ऐसा है कि देखो जब तक इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट नहीं होगी तब तक हमारे लिए कुछ नहीं है, मेरे लिए तो कुछ नहीं है। देखो दो तरह का काम होता है, एक होता है इंजीनियरिंग ओरिएंटेड काम सोलर पे कि जो पैडल बन गया उसका एनालिसिस करना, एक होता है उसका सेल का। तो जो सेल वाला काम होता है फिजिक्स वाला, उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा कि इंडिया में कब अडानी अंबानी सब करके एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करेंगे जहां पर हमें साइंटिस्ट की जरूरत पड़ेगी रियल लेवल पे, तो ठीक है। लेकिन आप उसका अगर सेकेंड वाला पार्ट है जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट है उस पर अगर आप काम कर रहे हो तो आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खोले हैं। लेकिन इन जनरल क्या होता है, जो बंदा पीएचडी करता है वो बाहर जाता है पोस्ट डॉक करने, आईआईटी से अगर आपने पीएचडी किया तो आपको पोस्ट डॉक अच्छी जगह मिलने में दिक्कत नहीं आता है, अनटिल अनलेस आपने पीएचडी बहुत ही अच्छी नहीं की है, अच्छे से ठीक ठाक पीएचडी की आपको पोस्ट डॉक मिल जाता है, फिर बंदा वहां से पोस्ट डॉक करके आता है यहाँ से प्रोफेसर बनता है। तो ये 3 रास्ते हैं, इंडस्ट्री, प्रोफेसर, तीसरा रास्ता ये है कि आप रिसर्च सेंटर ज्वाइन कर सकते हो। और एक दिक्कत यह है कि हम
एनर्जी साइंस से है ना, तो क्या होता है कि कुछ कुछ जगह पर हमारी एलजीबीटी में दिक्कत है इंडिया में, बट वो मुझे लगता है कि 4-5 साल वक्त के साथ ठीक होगी, क्योंकि बहुत सारी आईआईटी में अभी एनर्जी साइंस डिपार्टमेंट खुल रहे हैं, जैसे कि आईआईटी दिल्ली का भी हुआ है, शायद आईआईटी गुवाहाटी का मुझे नहीं पता, लेकिन खुल रहा है, तो वो चीजें आएगी, और वो नहीं आएगी तो आपको पूरे, अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे देखोगे आपको लगेगा कि नहीं मुझे ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं है कि मैं इंडिया में ही रहूँ, तो आपके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आप ऐसा करके चलोगे मुझे इंडिया में रहना है, तो शायद आपको कुछ दिक्कतें आ सकती है, वो डिपेंड करता है आपका रिसर्च बैकग्राउंड क्या है, आपने क्या रिसर्च किया है उसके अकॉर्डिंग। एक चीज हो रहा है कि ये सिर्फ ये मत समझना कि सोलर पीवी है, बैटरी है, या फिर इसी में कुछ, जैसे आपको पता भी नहीं होगा ऐसे ऐसे रिसर्च एरिया, जैसे कि एनर्जी इकोनॉमिक्स है, ठीक है, ऐसे ऐसे मतलब सस्टेनेबिलिटी है, उन सब पे इंडिया में अभी है, मतलब कुछ ना कुछ करके लोग सोलर थर्मल के इंडिया प्लांट लगा रही है, सोलर थर्मल होती है, दो तरह का होता है, एक तो आप सोलर सेल से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हो, एक सोलर थर्मल होता है कि जो हीट होता है, जैसे कि आपने देखो आपने अभी सर्दियां चल रही तो पानी गर्म कर रहे हो, तो या तो आप पानी पीते, लेकिन वो सोलर का एक सिस्टम होता है जिसमें पानी गर्म करते हैं, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट वो एक सिस्टम होता है, तो उस तरह का भी चीज है, तो वो चीज इंडिया में अभी है एज इंजीनियरिंग लेवल पर, तो आप उसमें रिसर्च कर रहे हो तो आपको ऑब्वियसली यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। तो बेसिकली बात यह है कि अपॉर्चुनिटी क्या होगी ये मैं और कोई नहीं बता सकता, ये 5 साल बाद इंडिया की क्या पॉलिसी होगी, इंडिया अपने आप को कैसे एस्टेब्लिश करेगा इस फील्ड में रिन्यूएबल एनर्जी में, उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन आप वर्ल्ड लेवल बात करो तो ऑब्वियसली आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है, इस बात में कोई गलत नहीं। राइट, अभी अपॉर्चुनिटी तो धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है हर एक फील्ड में, थोड़ा सा मतलब कि लाइक जैसे कि अभी हर चीज में लाइक थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है। बस आज दो क्वेश्चन और पूछना है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, जो कि यार मैंने आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल देखी थी तो उसमें थोड़े से अट्रैक्टिव लगे थे, ठीक है, एक तो एज ए आप का एक स्टार्टअप था, ठीक है, उसके बारे में हाँ उसको बता देगा क्या था, क्या था मतलब वो? अरे वो एक्चुअली स्टार्टअप बना नहीं था, शायद कंपनी रजिस्टर हुई थी वहां तक काम हुआ था, उसके बाद क्योंकि उसकी प्रॉब्लम ये था कि जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में था तो आखिरी साल था जब हमारा कोविड चल रहा था, तब हमने वो आइडिया स्टार्ट किया था, बेसिकली जो एक्सटेंड डिटेक्शन के लिए, पूरा आइडिया नहीं बताऊंगा ठीक है, बट एक्सटेंड डिटेक्ट करने के लिए होता है जब आप एक्सटेंड हो रहे हैं वर्ल्ड में, बहुत सारे एक्सटेंड हो रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि जो एम्बुलेंस वहां तक नहीं पहुंच पाती, तो ऐसा कुछ आइडिया था कि मैं ऐसा अम्बेडेड, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में किया था तो मेरे को मतलब अम्बेडेड का थोड़ा ज्ञान था, ठीक है, और मेरे साथ में कुछ बंदे थे सॉफ्टवेयर में काम था, ईआई एमएल, तो उनको थोड़ा 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 हल्का हल्का आता था बेसिकली, तो हम दोनों बेसिक जैसे कुछ एक सिस्टम बनाने का सोच रहे थे, हमने बनाया भी था कुछ हद तक प्रोटोटाइप, एप तक काम बन चुके थे, एप बन चुके थे जहां पर हम ऐसा इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाए जिससे एक्सीडेंट हो जाए और बहुत कम टाइम में जो एम्बुलेंस ऑन द स्पॉट पहुंच जाए। तो इस टास्क में हमने क्या किया, हमने बहुत लोग को पिच किया, हमने आईआईटी बॉम्बे में आ चुका था मैं, वो लोग वहां पे थे, मैं यहाँ पे था, तो क्योंकि मैं आईआईटी बॉम्बे का स्टूडेंट हूँ तो मैंने अपनी तरफ से साइन नाम का एक होता है इंडिया आईआईटी बॉम्बे का एक एंटरप्रेन्योरशिप सोसाइटी है साइन, और ये कोई छोटा मोटा चीज नहीं, ये बहुत बड़ा चीज है, जैसे कि आईआईटी दिल्ली में ही है, तो ये क्या होता है इसका टर्न, जो आईआईटी बॉम्बे जो भी स्टार्टअप निकले हैं, बड़े बड़े स्टार्टअप उसमें साइन का ही एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। साइन ने वहां पर पिच किया था, एक कॉम्पिटिशन हुआ था, उसके काफी सारे स्टेजेस होते हैं, पहले आप पिच करते हो, फिर आप अपना आइडिया स्टेज आते हो, अलग अलग स्टेज पर हमने पिच किया था, हम फाइनली हम टॉप 5 टीम में आ गए थे, और हमको 2.5 लाख का कुछ ऐसा हमको ग्रांट मिला था कि अगर आप उसमें काम करते हो तो आप ग्रांट कर देते हो, तो यह हमारी सक्सेस स्टोरी थी। वहां पर हमें लग रहा था कि हाँ हम आप स्टार्टअप स्टार्ट करने जा रहे हैं आईआईटी बॉम्बे से, स्टार्ट मिल गया, बट चीजें सही नहीं होती, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं यहाँ पर आईआईटी बॉम्बे में एमएससी थोड़ी हेक्टिक होता है, तो क्या होता मेरा बिगड़ा होता था मेरा, फिर मैंने एक सवाल पूछा तो मैं दोबारा वही पूछा, मतलब जो मैंने स्टार्टिंग में अपने अंडरग्रेड पूछा था कि क्या मेरे को रिसर्च में जाना है या फिर एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है, एंटरप्रेन्योरशिप में भी आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग दिमाग चाहिए, और वहां पर आपको चाहिए मनी का इंटरेस्ट होता है, मनी बनाने में नहीं जा रहा है, अगर आप पैसा नहीं बना पा रहे हो, आपका दिमाग वैसे नहीं चल रहा है, तो आप एंटरप्रेन्योरशिप मत करो, क्योंकि आपको आखिरी में लिखा जाएगा, तो ऑब्वियसली मेरे को उतना ठीक नहीं आ रहा था उस टाइम, मुझे लगा कि मेरे को अपना रिसर्च ही करना चाहिए, तो मेरा बचपन से था, मैं बाहर दोबारा घूम फिर वहीं आया, तो मैंने उनको बोला जो मेरी 5 लोगों की टीम थी, मैं भी उसमें एक उसका पार्ट था, मतलब हम लोग हम चारों की 5ों की कुछ ना कुछ थी उसमें शेयरिंग, तो मैंने उनको बोला कि देख ब्रो मैं
आगे कंटिन्यू नहीं करूंगा, मैंने उनको 2 महीने पहले इन्फॉर्म कर दिया। उसके बाद मैंने 2 महीने बाद उसको कोपली छोड़ दिया। मेरे जाने के बाद उन्होंने वो कंपनी रजिस्टर भी करवाई थी, बट फिर पता नहीं उनका भी अपना एक होता है ना कि उस टाइम क्या होता है कि हमारे पास, क्योंकि मैं निकल चुका था तो आई टी में से कितना मिल रहा था मुझे नहीं पता उनके साथ क्या था, तो अब वो पैसा बंद हो गया था तो आपके पास पैसा नहीं होता तो आप कैसे काम करोगे। तो फिर उन लोगों ने सोचा कि हम एक बार जॉब करते हैं, तो अभी वो लोग सब लोग स्टार्टअप में जॉब कर रहे हैं किसी ने किसी ने, तो वो लोग सोचेंगे हम एक्सपीरियंस लेके फिर आएंगे और फिर कुछ नया स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से क्या बोल सकते हो कि वो एक स्टार्टअप था जो हमने एक स्टार्टअप ने एक आइडिया था जिसको हम एक लेवल तक लेके गए थे। तो मैंने बताया था ना, मैंने उसको एक्सप्लोर किया था एंटरप्रेन्योरशिप को भी, तो मुझे अब मुझे समझ आ गया ना कि मुझे नहीं करना, अब मुझे लाइफ में कभी डाउट नहीं आएगा करना है कि नहीं करना है, तो मैंने करके देख लिया। तो इस तरह का कुछ। अच्छा, लास्ट में एक आपने एक ये भी मेंशन करा है कि यू आर ए मेंबर ऑफ द एससीआई। हाँ, सॉरी नो, स्पाई, इसको स्पाई बोलते हैं। स्पाई एक ऑप्टिक्स एंड फोटोनिक्स सोसाइटी इंटरनेशनल लेवल पे, यहाँ पर बहुत सारे साइंटिस्ट इंजीनियर इंटरनेशनल लेवल पे जुड़े हुए, इसके बहुत सारे चैप्टर हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में, जैसे कि आईआईटी बॉम्बे में इसका एक चैप्टर है, हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिस कॉलेज में मैं पढ़ता था वहां पर इसका चैप्टर था, आईआईटी दिल्ली में इसका चैप्टर है। तो यहाँ पर क्या करते हैं स्टूडेंट, इस थोड़ा रिसर्च एक्सप्लोजर उनको मिलता है। तो हम लोग थे जब मैं था आईआईटी, सॉरी जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में था तो मैंने वहां पर ज्वाइन किया था, तो वहां पर अंडर लेवल पर आपको हल्का फुल्का एक रिसर्च एक्सपीरियंस मिल जाता है, नॉट लाइक कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो कुछ बड़ा, आपको हल्का फुल्का ही मिल जाता है कि हाँ रिसर्च ऐसे होता है, आप कुछ प्रोजेक्ट कर लेते हो, प्लस आपको कुछ आउटरीच एक्टिविटी आप करते हो बड़े बड़े, जैसे कुछ लेबोरेटरी भी आप विजिट करते हो, तो आपको एक समझ आता है कि क्या है। तो बेसिकली एक चैप्टर है उससे फिर मैंने ज्वाइन किया था, वहीं से मेरे को और समझ आया कि हाँ, फिर मुझे वहीं से समझ आने लगे कि फिर आते आते मैं उस चैप्टर में एज ए सेक्रेटरी मैंने ज्वाइन किया, फिर मतलब आखिरी ईयर में वो भी किया, फिर जब आईआईटी बॉम्बे आया तो मैंने दोबारा से वो चैप्टर ज्वाइन किया। तो बेसिकली एक ऑप्टिकल फोटोनिक्स की सोसाइटी है, अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको कुछ कोर्सेस मिलते हैं, आपको कुछ एक कॉन्फ्रेंस होता है इंडियागो में, वहां आपको अटेंड करने में मिलता है। तो जो फिजिक्स वाले बंदे हैं जिनको ऑप्टिक्स एंड फोटोनिक्स में इंटरेस्ट है स्पेशली, तो उनके लिए एक अच्छी चीज है मतलब एज ए इंटरनेशनल लेवल पर ये है। ओके, ठीक है। हाँ राइट, एक्चुअली मतलब ऐसे है लाइक स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करते रहना चाहिए ताकि थोड़ा सा अपना क्या माइंड भी रिलैक्स करे और नई नई चीज़ सीखने को मौका मिले। ठीक है, आई थिंक यही सबसे बड़ी अगर गलती रहती है स्टूडेंट लाइफ में कि यार अपन जस्ट अपने कोर्स फॉर्म के पीछे कहीं ना कहीं पड़ जाते हैं। ठीक है ना, तो आपको समझ नहीं आएगा ना मतलब क्या करना है, आपको ऐसा लगे कि अब जब तो आप नहीं करो आपको नहीं समझ आएगा कि ये चीज क्या है, जब आपको 6 महीने उस चीज को करते हो तो आपको समझ आता है कि चीज मेरे लिए बनी नहीं, मतलब आपको कुछ जो हर चीज के कुछ, जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं मैं बहुत अच्छे से बोल पा रहा हूँ, ये कम्युनिकेशन हर कोई इंसान इतना अच्छे से मतलब मैं भी ना, कोई कोई इंसान वो सही होता है तो उसका वो नेचर है, ऐसा नहीं है कि वो अच्छा नहीं बन सकता, मतलब उसको बहुत एफर्ट लगाने पड़े। तो जो तुम्हारा मेन जो नेचर उसके अपोजिट तुम जाओगे तो वो एफर्ट लगाने पड़ेंगे, अगर तुमने ये फिगर आउट की चीज में मैं बाई नेचर अच्छा हूँ तो फिर आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे, बट आपका बॉडी आपका माइंड आपको सपोर्ट करेगा तो चीज आसान हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल बहुत सही बात बोली आपने। और जैसे कि यार मतलब कि स्टूडेंट को सर बस यही है कि यार थोड़ा सा टाइम से रहकर डिसाइड कर लो जितना जल्दी हो पाए एंड जस्ट स्टार्ट कर दो उस फील्ड में जिसमें आपका इंटरेस्ट है। ठीक है, अच्छा तो एक लास्ट क्वेश्चन और मैं पूछना चाहूँगा जो जनरली में मतलब कि बहुत सारे स्टूडेंट इस पर डाउट करते हैं। ठीक है कि यार आईआईटी से एमएससी करना बेनिफिशियल वर्थ है कि नहीं है, मतलब कि लाइक सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी। ठीक है, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि मुझे तो बस इतना लगता है कि सक्सेस मिले चाहे नहीं मिले बट एक एक्सपोजर ज़्यादा मिल जाता है, एक अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाती है आपको, है ना, एक थोड़े से अच्छे ब्रिलियंट माइंड्स वगैरह मिल जाते हैं जहाँ पर आप अच्छा नेटवर्क बना सकते हो खुद का। तो हो सकता है कि यार आज आप सक्सेस नहीं हो रहे हो, इन फ्यूचर आपको कहीं ना कहीं ऐसे वो मतलब कनेक्शन आपके काम आ ही जाते हैं, राइट, है ना। तो आपको क्या लगता है इसका? मैं अग्री करता हूँ कुछ लाइक काफी एक्सटेंड पे आपसे बात अग्री करता हूँ, बट मेरा एक मेन पॉइंट है कि देखो पता है लोग गलती क्या करते हैं, लोग ये सोचते हैं जैसे जो जो बीटेक वाले बंदों को जो प्लेसमेंट मिलता है ना, मतलब बीटेक में जो लोगों को प्लेसमेंट मिलता है उससे इंस्पायर होकर आते हैं कि हम चलो तो कोई बात नहीं हमारा बीटेक में नहीं हुआ तो एमएससी में कर लेंगे, बट आपको समझना पड़ेगा कि एमएससी समथिंग डिफरेंट करिकुलम, ठीक है, एमएससी में आप वो स्किल्स नहीं लेके आते हो अपने करिकुलम से जो आपको एक कंपनी रिक्वायर करनी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने ऐसा बच्चा भी देखा है जिसने एमएससी फिजिक्स किया है,
वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ने 18 से 20 लाख का पैकेज उठाया है, जो कि मेरे हिसाब से आसान नहीं है। वो उनसे कॉम्पीट किया भाई बीटेक वालों से, एमटेक वालों से, समझ रहे हो। तो अगर आप प्लेसमेंट के हिसाब से आ रहे हो कि मुझे प्लेसमेंट लेना है, तो मैं आपको कुछ स्पेसिफिक कोर्स बता देता हूँ, उसमें जाओ। जैसे कि एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी स्टैटिक्स, स्टैटिक्स में आओगे तो आपको प्लेसमेंट थोड़ा इजीली मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 100% मिलेगा। अगर आपको एमएससी में प्लेसमेंट चाहिए तो आप एमएससी फिजिक्स मत करो ना, एमएससी फिजिक्स तब करो आपको अकेडमिया में जाना है, आपको टीम में जाना है, आपको रिसर्च में जाना है, क्योंकि उस कोर्स में आप बेसिक फंडामेंटल सब पढ़ोगे, साइंस पढ़ोगे, एक्सपेरिमेंटल भी पढ़ लिया, तो भी आपको ऐसा नहीं होगा कि आप इंडस्ट्री के पूरा फिट हो जाओगे। तो इसमें आईआईटी की कोई गलती नहीं मेरे हिसाब से, उसमें गलती आपकी माइंडसेट की, कि आप माइंडसेट के साथ आईआईटी में आते हो। तो अगर आपका माइंडसेट ये है कि मेरे को रिसर्च में करना है, तो आईआईटी के लिए बहुत है, क्योंकि आईआईटी आपको से आपको बाहर जाना बहुत आसान है, इन कम्पेयर टू आप किसी कि यहाँ के जो प्रोफेसर होते हैं उनका बाहर के साथ कोलाबरेशन होता है, वो सब चीजें होती है, आपको पता है यहाँ बहुत कुछ चीजें नहीं पता चलती है, आपको एक नया माइंडसेट डेवलप होता है। तो उस हिसाब से आओगे तो सही है। अगर आपने माइंडसेट गलत बनाया कि मैं एमएससी में आके मुझे मुझे प्लेसमेंट उठाना है बीटेक वालों के लिए हिसाब से, तो फिर आप बोलोगे मेरे को आईआईटी में जाके कुछ फायदा नहीं हुआ। ठीक है, बिल्कुल, ये पॉइंट मतलब बहुत ही सही बोला आपने। ठीक है, इसी के लिए ही अपन यार ये इनिशिएटिव लिया है, लाइक कोशिश कर रहे हैं कि लाइक सभी आईआईटीज एनआईटीज के जो पास आउट जो स्टूडेंट है या फिर अभी जो करंटली वहाँ पर पढ़ रहे हैं, उन सभी के साथ अपन एक पॉडकास्ट शूट करें, ताकि उस डिपार्टमेंट के बारे में स्टूडेंट को कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन मिल पाए। ठीक है, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट, जैसे कि मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता था, जो कि यार जानने को मौका मिला है मुझे इस डिपार्टमेंट के बारे में। ठीक है, तो आई होप अपनी ऑडियंस को भी जानने को मौका मिलेगा। एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, व्हाट सजेशन यू वुड लाइक टू गिव टू योर जूनियर्स जो कि अभी अभी आईआईटी जेम प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर अभी मास्टर में अपना फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है? ओके, सो पहली बात तो ये कि पहले आपको थोड़ा क्लियर कर लो कि आप एमएससी में जा क्यों रहे हो। सिंपल सी बात, क्योंकि अगर आप ये जाओगे ठीक है मुझे आईआईटी के लिए जाना है, तो फिर दिक्कत है। मतलब जैसे मैंने क्या बोला था, मैंने आपको क्लियर किया था कि मेरे को इस तरह का कोर्स चाहिए, तो मैं उस हिसाब से कह रहा वो था। देखो एक बार होने से अगर आपको आईआईटी में होगा आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके आसपास वाले लोग आप पर ऐसे आपको ऐसे ट्रीट ट्रीट करेंगे ना, आपको इतना अप्रिसिएशन तो पहले कभी लाइफ में मिला नहीं होगा, हर कोई आपको कुली कर रहा होगा बचपन से, आपको हो गया तो आपको बहुत अप्रिसिएशन मिलेगा, तो आप कुछ टाइम के लिए जीरो बन जाओगे। ठीक है, बट क्या है कि जो रियल चीज ये है कि आपको समझ आना चाहिए कि आप आईआईटी क्यों जा रहे हो। अगर आईआईटी छोड़ो, आप कोई भी आपको समझ आना चाहिए आप क्यों कर रहे हो। आपको रिसर्च के लिए जाना है, जैसा मेरा क्लियर था। आपको देखो हो सकता है आपको अभी की के लिए ना हो, मैं भी आपको नहीं पता हो कि भाई मुझे कहाँ जाना है, तो आप क्या करो आप तैयारी करो। तैयारी के दौरान आप कुछ चीजें लोग गलती करते हैं, लोग बहुत सारा, जैसे मैंने अपनी जेई में गलती की थी, मैं फिजिक्स को समझने लग गया था। आपको ऐसा नहीं करना, आपको सिलेबस देखना है एग्जाम के लिए क्या जरूरी है, आपको रिसर्च करने के लिए वहां मिलेगा ना भाई। आपको बस एग्जाम के अकॉर्डिंग समझना है कि मुझे एग्जाम की क्या रिक्वायरमेंट है, उसको मुझे फिट करना है, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करो। पर बी ऑनेस्ट, आईआईटी जेई में उतना कॉम्पिटिशन नहीं है जितना आप जेई में देखोगे, जितना आप दूसरे एमबीए एग्जाम में देखोगे। लेकिन हाँ, अगर आप किसी तरह से इस चीज को क्रैक कर लेते हो और आईटी तक पहुंच जाते हो विद ए गुड माइंडसेट, विदाउट अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन के साथ, तो लोग आते हैं कि प्लेसमेंट लेके जाएंगे, ये लेके जाएंगे, वो लेके जाएंगे, एक रियलिस्ट एक्सप्रेशन कि मैं एमएससी फिजिक्स कर रहा हूँ, तो सिंपल आता है मेरे को वैसा प्लेसमेंट नहीं मिले। जैसे कि एमएससी फिजिक्स का प्लेसमेंट मिलता है, एक दोस्त है मेरा जो टाटा में काम कर रहा है, वो कंप्यूटेशनल क्वांटम कंप्यूटेशनल, ठीक है, उसमें जा रहा है, तो ठीक है मिला है, ऐसी बात नहीं, मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रहा हूँ, मिलेगा, बट उतना उतना विंडो नहीं है जितना बीटेक वालों का विंडो है, या फिर सारी कंपनी आपको नहीं करेगी, आप उतना पैकेज नहीं उठा सकते, क्योंकि इंडिया अभी उस स्टेज में नहीं है जहाँ साइंस और मैन्युफैक्चरिंग को इतना लिखा है, तो आपको वो समझना पड़ेगा वो पॉइंट, उस हिसाब से आप आओ पहले। अगर आपको पहले से क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप कर सकते हो, अगर नहीं क्लियर है तो बिना किसी एक्सपेक्टेशन नहीं एग्जाम क्रैक करो, इस बात को सोचो कि हमें कुछ सीखने को मिलेगा उस जगह पर जाके, वहां देखेंगे हमें लाइफ में क्या करना है। तो एग्जाम के अकॉर्डिंग तैयारी करो, एक्सपर्ट बनने की कोशिश मत करो, एग्जाम के अकॉर्डिंग तैयारी करो, फर्स्ट फोकस होना चाहिए हमारा एग्जाम निकलना, दैट्स इट। और एक्सपेक्टेशन एक होती है कि हमें कुछ वहां जाके कुछ समझना है, कुछ सीखना है, नॉट लाइक कि वहां जाके प्लेसमेंट लेना है, आईआईटी में जाके अपना रुतबा छाड़ना है, वो आईआईटी में बनके वो नहीं होना चाहिए। तो आप अगर आपका नहीं भी हुआ ना, आपका नहीं भी हो, जैसे मेरा आईआईटी में नहीं हुआ, तो पता है उसका क्या फायदा हुआ, मैं आपको हमेशा बता दूं, अगर मैंने आईआईटी जे की प्रिपरेशन नहीं की होती तो मैं कभी आईआईटी जे एक महीने में नहीं निकाल सकता। राइट, सही, बिल्कुल,
आईआईटी जेई की प्रिपरेशन से, तो मुझे समझ आ गया कि किस तरह से तैयारी करनी होती है, किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच डेवलप करनी होती है बस। और सिलेबस भी काफी हद तक सेम था, बस खाली चीजें अलग डोमेन में, जैसे कि आप इसमें क्या होते हो क्वाड्रेटिक कोऑर्डिनेट में खेलते हो, यहाँ पर आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में भी खेलते हो, अलग अलग कोऑर्डिनेट में खोलते हो, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में भी खेलते हो, तो थोड़ा सा चीजें अलग थी, मतलब सेम नहीं थी, बट हाँ आपको समझ आता है कि आईआईटी जैसे का एग्जाम कैसे निकला, मतलब आपको एक आइडिया होता है वो तरह। इसीलिए मैंने एक महीने में अपने आप को उतना प्लान कर पाया। अगर आपको आईटी में नहीं हुआ और आपने होनेस्टली से तैयारी की है, आप अस्सी वन मास्टर को सुनना, वो बोलते हैं कि अगर आपने अच्छे से तैयारी नहीं की और आपका हो गया तो दिक्कत है, वहां जाके आप फंस जाओगे, लेकिन आपने अच्छे से तैयारी की और आपका अगर नहीं हुआ तो वो चीज आपको आगे जाके बेनिफिट करेगी। इट ऑल्सो डिपेंड कि आप आगे जाके क्या करते हो, ये क्लियर हो? सही हो तो बिल्कुल सही हो, ठीक है। तो चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप तो आई होप ऑडियंस आपको कुछ ना कुछ आज मौका मिला होगा, और यार कोशिश करना कि ये वीडियो देखने के बाद आप खुद इस डिपार्टमेंट के बारे में आज एक्सप्लोर करना वेबसाइट वगैरह पर, ठीक है। लिंक आपको पिन करने में मिल जाएगी और आप इसे सर्च कर भी लोगे, और कुछ भी इसके अलावा आपकी कुछ क्वारीज वगैरह हो तो आप फ्री फील फ्री टू आज के अंदर कमेंट सेक्शन, ठीक है। ओके विराज भाई, थैंक यू।